मॉर्निंग फ्रेंड मैं हूँ शादुर में महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका संडे गार्डन ओवरव्यू में तो चलिए आज करते हैं मेरे गार्डन की सैर और सबसे पहले दिखाती हूँ ये डबल पेटल पिटूनिया जो मैंने सिडलिंग से लगाया था और कुछ मुझे ये दस दस रुपीस के सारे जो है सिडलिंग्स पड़े थे तो इस तरह के अगर कुछ आपको मिलते हैं तो उसी से आप ये लगा सकते हैं और उसके बाद देखिए ये सारे जो है ना इसमें एक ही कलर निकल आए हैं जो डबल पेटल पिटूनिया और कुछ दो जो है वो कलर कुछ अलग निकले हैं तो अभी सब तरफ तो यहाँ पे पिटूनिया और विंटर सीजन के बहुत सारे फ्लावर आपको दिखाई देंगे तो देखिए इस तरह से ये पूरे फ्लावर देखिए एक रेंज में ऐसा लग रहा है कि फूलों का पूरा बगीचा जो है ना मेरे घर में उतर आया है और यहाँ पे देखिए ये कुछ हैंगिंग में जो लगाए थे वो भी अभी बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं और पूरे देखिए इतना बूशी पॉट हो गया है क्योंकि इसकी मैंने पिंचिंग करी थी और इसी की तरह जो भी मेरे पास बाकी जो ऊपर लगे हुए प्लांटर हैं तो उसमें भी मैंने सभी की पिंचिंग करी थी ये जो प्लांट है ये जो फ्लावर है ये हमें बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देते हैं तो अगर आप कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ लिसनिंग यानी अच्छी अच्छी बातें पढ़िए अच्छी अच्छी बातें सुनिए तो इससे जो है ना निगेटिव बातें अगर आप बात बार बार सुनते हो तो आपका जो ब्रेन है ना निगेटिव सोचना शुरू कर देता है बहुत लोगों को गॉसिप करने की आदत होती है अगर आपको पता चले कि आपके बारे में कोई बुरी बातें कह रहा है तो आपका दिल टूट जाता है आपको बहुत बुरा लगता है फिर आप क्या करते हैं एक तो आप उनसे बात करना बंद कर देते हैं या तो सिर्फ उन्हें इग्नोर कर देते हैं तो ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट था आपको क्यों बुरा लगा क्योंकि हम बुरी निगेटिव बातें सुनते रहते हैं और अगर ये निगेटिव बातें सुनना बंद करेंगे तो आपके ब्रेन भी जो निगेटिव सोचना है बोलना है वो बंद कर देगा और ये सारे पॉजिटिव मिलती हैं हमारे प्लांट से इन सारे फ्लावर्स से तो इनके साथ अगर आप कुछ नाता जोड़ते हो कुछ प्लांट्स ले आते हो घर में तो बहुत ही पॉजिटिव लाइफ आपकी चलेगी यहाँ पे सारे डियां जो मैंने से लगाए थे देखिए बच्चों की तरह ही नहीं संभालते हैं इस वजह से इन्हें क्या अच्छा यानी इनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है अपने आप समझ में आता है क्योंकि जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है बिल्कुल ये सीड्स भी उन्हीं की तरह होते हैं बिल्कुल छोटे से छोटे होते हैं तो उस वक्त से जब केयर शुरू करते हैं इस वजह से मेरे जितने भी प्लांट आपको दिखते हैं ना वो बहुत ही हेल्दी और छोटे छोटे पॉट में है जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल फाइव इंची या सेवन इंची और इतने सारे बुशी और घने हो गए हैं और ये सारे डियां इसके जो कलर है ना ये बहुत ही खूबसूरत बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं अगर मेरे आंखों से देखेंगे तो मुझे तो हर एक प्लांट खूबसूरत दिखता है आ, क्योंकि भगवान ने कोई ऐसी बदसूरत बदसूरत चीज़ बनाई ही नहीं हम उसे बस बदसूरत बना देते हैं और ये सारे जिन्हें ने देखे और इनके फ्लावर अभी खिलना शुरू हो गया है और जब ये पूरे फ्लावरिंग पे आएंगे ना तो ये पूरा इतना ज्यादा फ्लावरिंग करेंगे ये प्लांट बहुत ही मैं तो इन्हें यानी हमेशा के लिए रखना चाहता हूँ कई जगह पे तो ये एक ये और एक नया कलर मुझे दिख रहा है एक ही फ्लावर लगा हुआ था ये पिंक है पर्पल पिंक में आ सकता है वैसे तो अभी ये भी खिल रहा है तो देखिए यहाँ पे जो जेरेनियम है ना ये अभी जो छोटे छोटे फाइव इंची पॉट में है तो इनको मुझे एक सेवन इंची पॉट देना पड़ेगा और इसकी जो देखिए फ्लावर्स जो अभी सूख चुके हैं तो बस नीचे से लेकर इस डंडी को ऐसे तोड़ दीजिए तो इनको भी मुझे लगाना है सोचती हूँ वही विंटर साजन सीजन में गमले ही कम पड़ जाते हैं और ये देखिए ये डॉग फ्लावर जिसे एंटीरियम एंटेरनम ऐसे कुछ कहता है कहते हैं इसे और ये देखिए इसको मैंने इतना बूशी बनाया है और देखिए सिर्फ फाइव इंची पॉट है ये और ये इतना हेल्दी और बूशी लग रहा है देखिए और इस पर जब फ्लावर आते हैं ना ये पूरा गमला बिल्कुल एकदम बुके के जैसा दिखता है तो ऐसे कुछ जो मेरे यहाँ वहाँ सीडलिंग्स पड़े थे उन्हीं से मैं ये प्ला, प्लांट लाई हूँ और सैपलिंग कुछ मैं चार पांच ही लाई थी ये देखिए ये भी पौधा इसकी भी मैंने पिंचिंग शुरू कर दी थी तो अब मैं इसकी पिंचिंग बंद कर दूंगी क्योंकि अभी ये बहुत ही हेल्दी हो चुका है और इन फ्लावर के यानी वेट से शायद ये पौधा खड़ा ना हो पाए इस वजह से अब मैं पिंचिंग बंद करना बंद कर दूंगी क्योंकि देखिए इनकी ब्रांचेज जो है ना बहुत ही नाजुक है बहुत ज़्यादा नाजुक है और ये देखिए ये भी एक येलो कलर है यहाँ पे ये भी एकदम हाईलाइट की तरह दिखता है मुझे और ये बिगोनिया ये इस बार तो मेरे पास दो ही प्लांट थे नहीं तो इसमें मेरे पास तीन चार थे एक वाइट और एक वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन और एक डार्क पिंक ऐसे कुछ चार कलर रहते हैं मेरे पास और ये सारे कलांशू देखिए अभी ब्लूम कर रहे हैं तो इस साल तो मेरे कलांजू का बस पूछिए मत नहीं तो मेरे कलांशू तो इतने ज्यादा फ्लावरिंग करते हैं विंटर सीजन में विंटर सीजन में नहीं लेकिन अप्रैल मई में तो ये बहुत ज्यादा इस इसमें फ्लावर दिखेंगे आपको तो ये देखिए एक एक कलर खिलना अब शुरू हो गया है लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ जो वाइट वाला जो कहीं पे नहीं मिलता वो वाइट मैंने कटिंग जो जिनकी दी थी उनके यहाँ तो बहुत अच्छे से चल रही है और इनमें से अगर कुछ निकल आते हैं तो बस मेरी तो लॉटरी ही लग जाएगी तो ये देखिए कटिंग लगाना कभी भी बंद नहीं करती इसकी कटिंग बारह महीने लगती है फेल होती ही नहीं है तो बस जब भी मुझे प्लांट या कुछ ऐसा खराब दिखता है जिसकी मुझे पुरू करनी होती है तो वो कटिंग मैं यहाँ वहाँ लगा देती हूँ ये सारी कटिंग यहाँ पे लग गई है अभी इनको भी मुझे दूसरा गमला देना पड़ेगा तो ये सारे देखिए अभी कलियों पर है सभी के सभी और देखिए मेरी कटिंग तो यहाँ वहां मैं तो बस जैसे लगाती ही रहती हूँ और ये भी देखिए येलो लीव्स या खराब लीव्स जो होते हैं तो इनको आप कट कर दीजिए और बस इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिए पंद्रह पंद्रह दिन के बाद क्योंकि ये बहुत ही घना पौधा है और यहाँ पे मेरी सारे गुलदाउदी दी और ये ना बहुत ही मेजेंटा कलर है अभी वीडियो में इतना खास नहीं दिखाई देता लेकिन इतना खूबसूरत ये कलर है तो ये कलर मिल गया है मुझे और ये सारे जो आप कलर नए नए दिख रहे हैं ना ये सारे मैंने स्वाति जी से परचेज़ किए हैं Uh, कुछ तीन चार महीने पहले और ये देखिए स्नो वाइट की तरह कितना खूबसूरत है इसके तो अगले साल में बहुत सारी कटिंग लगाऊंगी ये प्लांट मुझे जो भी बचाना है तो इन पे मैं मार्किंग करूंगी कुछ आईडी इनमें डालूंगी और उसके बाद अगले साल तो बस आप देखेंगे कि मेरी गुलदाउदी का कलेक्शन और गुलदाउदी का जो रिज़ल्ट होगा ना वो बहुत ही खास होगा इस साल मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिला है लेकिन इस बार अगले विंटर सीजन की तैयारी मैं बिल्कुल पहले से कर दूंगी और ये देखिए यहाँ पे भी येलो है जो अभी कुछ हो गए हैं बीस या पच्चीस दिन हो गए हैं और ये वाइट भी देखिए ये कुछ अलग है और वो वाला जो दिखाया था वो कुछ अलग है लेकिन दोनों ही खूबसूरत है लेकिन वो सबसे ज़्यादा है और ये देखिए येलो में दो यहाँ पे दिख रहे हैं लेकिन ये येलो अलग है और ये साइड में जो लगे हैं ना वो बिल्कुल ये सारे उन्हें उन्होंने क्या किया था कुछ नाम लिया था इनका जिन पे ज्यादा मल्टीफ्लोरा मल्टी फ्लोरा कहते हैं जो ज्यादा फ्लावर दिख रहे हैं ना और हर एक प्लांटर में मैंने एक ही प्लांट लगाया है और ये ही मल्टी फ्लोरा के ही वैरायटी है देखिए कितने सारे फ्लावर इस पे आए हैं तो स्वाति जी थैंक यू सो मच आपकी वजह से ये सारे कलर मेरे गार्डन में ऐड हो चुके हैं इस साल तो बस अगले साल तो इसे और भी बढ़ाऊंगी और इसका कलेक्शन जो होगा ना तो बहुत ज़्यादा कलर नहीं चाहिए लेकिन ऐसे मल्टी फ्लोरा जो वे, वेराइटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा बुशी होती है और हालांकि मुझे वक्त नहीं मिला इनकी ज़्यादा केयर करने का और मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए मैंने इसमें एक ही प्लांट लगाया है देखिए थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लावर दिख रहे हैं तो कुछ ऐसे अलट पलट करना ही पड़ता है और ये सारे गुलदाउदी और ये कुछ नए हैं देखिए इसके पेटल कितने प्यारे हैं ऐसे लग रहा है कि न किसी ने तैयार करके इसे लगा दिया है इस फ्लावर को और इस तरह से अब ये सारी मेरी गुलदाउदी है और ये भी देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत लग रहा है तो वो सारे अभी तो येलो येलो कलर ही खिले हैं लेकिन अगले साल मैं सोचूँगी ना मुझे रेड कलर इसमें नहीं दिख रहा है और एक जो फिर से एक पर्पल ये ऑरेंज वाला है इसमें रे रेड आता है तो थोड़ा सा जाना पड़ेगा नर्सरी में तो अभी तो इस संडे तो मेरे बच्चों की स्कूल में गैदरिंग है तो वहाँ पर जाऊँगी और ये कलर नया मिला है तो इसमें ज़्यादा फ्लावर नहीं आते ये ज़्यादा बूशी मुझे नहीं लगता है लेकिन फिर भी ये भी बिल्कुल बहुत ही खास कलर है ये कुछ छोटे छोटे जो मैं लाई थी अभी पंद्रह पंद्रह रुपीज में तो ये सारे अगले साल के लिए कलर मुझे बचा के रखना पड़ेगा और ये स्थल पदा और ये देखिए अबोली का प्लांट भी बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग कर रहा है यहाँ पे और यहाँ से अब इस तरफ जब जाते हैं ना तो ये अच्छा ये मुझे दिख रहा है ये वाइट कलर मेरा ये पत्ते खराब हो गए थे इसलिए वजह से मैंने इसकी कटिंग यहाँ पे लगा दी थी तो ये वाइट कलर जो है तो बस इतना भी मेरे लिए बहुत है इतना भी अगर मेरे पास ये कलर रह जाता है तो वाइट कलर जो तो मेरे पास सभी मुझे दिख गया है और मुझे बहुत खुशी हुई है और ये सारे मेरे पेंटार्स जो देखिए कितने सारे फ्लावर दे रहे हैं बहुत ही ज्यादा बुशी और घना और ये परमानेंट प्लांट है अगर आपके गार्डन में आपने इसे ऐड नहीं किया है तो आप ऐड कर सकते हैं कुछ ये वाइट हो जाता है पत्ते इसके येलो पड़ जाते हैं लेकिन फिर भी ये देखिए ये पौधा भी वैसा ही था ये मेरे पिछले साल का था तो देखिए इसके लीव जो है ना ये भी पूरे येलो पूरा येलो प्लांट हो गया था लेकिन मैंने इसे इप्सम सॉल्ट का स्प्रे करके कुछ मिट्टी में देके इसे घना बना दिया है हरा बना दिया है और यहाँ पे अगर आगे जाएंगे तो ये मेरे जो है ना बस इनकी मैं तार, क्या तारीफ करूँ ये जो जरबेरा है ना ये इतने ज़्यादा फ्लावरिंग देते हैं और देखिए फिर इससे और ये मैं जो नए अभी ऐड किए थे और इसका जो शॉपिंग का वीडियो था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था जो सिंगल पेटल है वो मेरे पिछले साल के पुराने पौधे हैं और ये देखिए ये कलर चेंजिंग जरबेरा पहले तो ये येलो रहता है और बाद में देखिए ये एक फ्लावर दिख रहा है ना बीच में कुछ इस तरह से डार्क कलर हो जाता है और ये देखिए ये आ, क्या किस कहते हैं श्रीखंड कलर मक्खन कलर या कुछ ऐसा और ये इस साल मैंने ऐड किया है जो डबल पेटल है वो वाले ये पिंक भी और जो सिंगल पेटल है वो सारे मेरे पिछले साल के हैं और बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये लगते हैं जब यहाँ पे आती हूँ ये फ्लावरिंग और ये देखिए येल्लो कलर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल येल्लो कलर और ये देखिए ये, ये भी ये शायद डबल डबल मेरे पास हो गए लेकिन फिर भी कोई बात नहीं और ये ना कुछ पिंक और रेड है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर है और ये क्रीम कलर में उसके अंदर जो है ना राउंड शेप में वो कुछ है इस वजह से ब्लैक वगैरह तो ऐसे करके मैंने कुछ अलग अलग चूज़ किए हैं और ये देखिए ये भी कितना प्यारा कलर है और ये वाला भी और ये सारे अभी जरबेरा और ये देखिए इसके जो पिटल है ना इसकी शेप देखिए कितनी अलग है और सेम वही कलर है और इसमें देखिए इसके पिटल जो है ना वो अलग है तो कुछ इस तरह के थोड़े थोड़े चेंजेस है इस वजह से मुझे ये सारे तो मैंने ना इनको ऐसे पूरे एक से दिखाने की कोशिश करी ऊपर चढ़ के नीचे ऐसे कुछ करके लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि वक्त नहीं था और ये मेरे ऑक्सालाइस इसका नाम ही कैसा है ना ओक्सालिस लेकिन फ्लावर बहुत ही खूबसूरत है और ये से लगाए जाते हैं और ये पता नहीं कब ये फ्लावरिंग करेगा सिर्फ बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है यानी खाया पिया और मस्त मौला ये अभी दिख रहा है मुझे और ये सारे देखिए ये भी उसी के कलर है ये ऑरेंज कलर है और ये हमारा जो कहीं पर भी मिल जाएगा ये आपको और ये देखिए ये मैंने गोविंद भाई से परचेस किया था उन्होंने कहा था दूसरा कलर है लेकिन ये व्हाइट ही निकला है तो इस तरह से कलर गारंटी होना तो पैसे भी ज्यादा जाए तो चलता है तो जो बाकी जो लिए थे वो मैंने सीड्स अर्बन गार्डन से लिए थे और ये गोविंद भाई से ये और ये अभी ये पता नहीं कौन सा कलर निकलता है तो कलर गारंटी होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि फ्लावर आने तक हम हम इतने बेसब्री से इंतजार करते हो जब फ्लावर को देखते हैं ना तो थोड़ा सा यानी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं लेकिन कोई बात नहीं ये भी कलर अच्छा है लेकिन ये मेरे पास था और ये मैंने परचेस किया अभी और पता नहीं अब ये कलर कौन सा निकलेगा ये सारे मैंने ऋतिक ठकराले यानी सिरसा अर्बन गार्डन से लिए हैं और ये गुलदाउदी जो मैं अगले साल के लिए बचाऊंगी जो बहुत ही प्यारे और खूबसूरत लग रही है और ये भी कलर कुछ नए ऐड किए हैं मैंने गार्डन में और मेरी जो स्ट्रॉबेरी है ना अभी एक साल हो गया इसे लगाए हुए ये परमानेंट पौधा है और इस पर हमारे यहाँ जैसे कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी का पौधा नहीं चलता इतनी धूप में लेकिन देखेंगे आप अभी समर का जब महीना है ना तो सबसे ज़्यादा फ्लावर इसी पे आएगी क्योंकि इसे धूप सहन नहीं होती और बाकी सारी इसकी जो बातें इसके बारे में जो बातें होती हैं पता नहीं लेकिन मेरे यहाँ तो ये बहुत अच्छे से चल रहा है और ये मेरे रेड कृष्ण कमल है जो अभी देखिए कितने सारे इस पर बर्ड्स आए हैं लेकिन देखिए मैंने कहा था कि कोई भी जो बेल होती है ना वो मुझे कहाँ पर चढ़ानी है कहाँ रखनी है ये मुझे ध्यान ही नहीं आता और ये पेंटास की

और ये देखिए इतनी हेल्दी ग्रोथ कर रहा है और ये सिर्फ फाइव इंची पॉट है तो इसे मुझे बड़ा पॉट देना पड़ेगा क्योंकि देखिए मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा और अभी तीन चार महीने हमारे पास है इसकी ब्लूमिंग देखने के लिए तो इसका गमला तो मैं चेंज करूँगी डेफिनेटली चेंज करूँगी और ये देखिए यहाँ पे ये भी इसी तरह से बूशी और बहुत ही प्यारा लग रहा है तो एक ही कलर खिलेंगे तो पता चलेगा कि ये कौन से कलर है अभी तो मेरे लिए भी सारे ब्लैंक है कि कौन सा कलर कौन सा किस पॉट में लगाए हुए हैं कुछ भी नहीं तो फिर इस पे आईडी डालूंगी और ये कुछ कटिंग जो बची हुई शायद मुझे ये भी वाइट लग रही है तो चलिए वाइट कलर अगर बच जाता है तो बहुत ही सुकून मिलेगा मुझे क्योंकि एक कलर मेरे पास जो मेरा फेवरेट था ये सारे देखिए कलां जो यहाँ पे ऑक्साइल की फिर से मैंने कटिंग लगा दी थी जैसे पता नहीं लेकिन मेरी एक दो लग चुकी है इस वजह से मैंने उसकी कटिंग लगाई है और ये सारे मेरे अभी कलां जो आप देख सकते हैं और एक जो मैंने सीड से देखिए लगाया था ये है आ... अस्टर का ये जो कलर है आपको ये कहीं नहीं मिलेगा ये मैंने सीड्स लगाया था ये हमारे जो राघवेंद्र जी है तो उन्होंने मुझे सीड्स भेजे थे इसके बहुत सारे सीड्स अभी भी मेरे पास है आ, लेकिन ये फ्लावर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थे मैंने लगाए भी थे सीड्स लेकिन वही आ, मेरा बच्चा जब हॉस्पिटल में एडमिट था तब आ, इन सीड्स पर मैं ध्यान नहीं दे पाई और ये कुछ मेरे सीड्स बचे हैं जो भी कलर खिलेंगे तो आपके साथ शेयर करूंगी और ये देखिए ये इम्पेश्स का प्लांट है ये पूरा पॉट भर देता है और एक ही प्लांट होता है और बिल्कुल छोटा सा प्लांट होता है इसका और इसकी बहुत सारी कटिंग भी मैंने बनाई है तो ये देखिए ये इसके कलर है ये देखिए और यहाँ पे ये देखिए पूरा घना हो जाता है यहाँ पे कुछ मैंने वर्बीना सॉरी शौ, शौ, गजानिया रखी है और ये सारे कलर है ये पर्पल डार्क और उसके ऊपर की लेयर में मैंने रखे सारे मेरे जो है विंग का जो अभी इसकी मैंने पिंचिंग बंद कर दी है और जब ये अब अब जब ये फ्लावरिंग करेंगे ना तो देखिएगा इतने सारे फ्लावर आते हैं इसमें और उसके ऊपर की लेयर में रखे हैं मैंने सालविया मेरे पास पिछले साल इसके पाँच छः कलर थे एक मुझे व्हाइट मिल गया है बिल्कुल ऐसा ही प्लांट था लेकिन फिर भी मैं लाई हूँ और उसके सीड्स भी मैंने बहुत सारे कलेक्ट कर लिए हैं तो इसकी कटिंग से एक दो मैं बनाऊँगी तो ये देखिए सालविया और यहाँ पर है मेरे कृष्णा जी तो चलिए अब थोड़ी सी साइड में चलते हैं और यहाँ पे देखिए ये पॉनसिटिया का पिछले साल का पौधा है इसको मैंने कुछ भी नहीं किया इसको बास्केट भी लगे हुए हैं लेकिन इसको मैंने रिपोर्ट नहीं किया थोड़ा सा डर लग रहा था लेकिन ये अच्छा चल रहा है अभी और ये कुंदा का प्लांट है तो इसकी मैंने रूट प्रूनिंग कर दी थी क्योंकि दो तीन सालों से एक पीपा जो होता है ना लोहे का उसी में था तो इसकी रूट प्रूनिंग कर दी है अभी अभी इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है तो अब ये फ्लावरिंग करेगा और ये मेरे सारे डहलिया तो आज इस पर इतने सारे फ्लावर खिले हैं ये देखिए कि वेट के कारण इसकी जो देखिए ब्रांचेस है ना वो यहाँ वहाँ लुढ़क रही है तो कुछ आज इसका भी मुझे बंदोबस्त करना ही पड़ेगा ये देखिए इतने सारे फ्लावर हैं और उसके वेट के कारण ये देखिए ऐसे गिर गए हैं ये भी वैसे ही हुआ है ये पिंक वाला और ये देखिए पूरी येलो हो गए थे लिप्स अपने आप ये ठीक हो गए हैं और वहाँ पे मैंने सारे गुलदाउदी जो मैंने कट करी थी वो वहाँ पे रखे हैं देखते हैं कौन सी गुलदाउदी बचती है या अगले साल तो नहीं लाऊंगी इन्हीं इसी से मैं बनाऊंगी सारे और यहाँ पे है मेरे सारे ये और ये एक नया ऐड किया है मैंने कलर ये भी बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है और अभी जब आप नर्सरी से प्लांट लाएंगे ना अगले साल के लिए तो नीचे से देखिएगा कि बहुत सारे बेबी प्लांट हो वही प्लांट आप लाइए फूल अगर उस पर ना भी हो तो भी चलेगा लेकिन नीचे से बहुत सारे बेबी प्लांट होने चाहिए और यहाँ पर देखिए रोजेस अब इन पर बहुत ये मेरे छोटे छोटे साइज के फ्लावर है लेकिन बहुत खूबसूरत लगते हैं कुछ बटन रोज है इसमें और कुछ जो देसी होते हैं वही हैं तो ये देखिए ये अभी खिलेगा फ्लावर तो थोड़ी सी अभी मेरी जो रोज़ प्लांट की कंडीशन है मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी सुधर रही है अभी तो ये देखिए येलो कलर और ये तो बटन गुलाबी है तो इस तरह से देखिए ये सारे यहाँ पे मैंने कुछ गुलाब रखे हैं यहाँ से यहाँ तक और उसकी साइड में ये सारे मेरे हिबिस्कस जिनकी मैंने रूट पुरोनी करी थी और यहाँ पे आ, मेरे बेरी का प्लांट है सॉरी चेरी का प्लांट है और यहाँ पे कुछ सकुलेंट और ये मेरा येलो वाला गंदराज है तो चलिए एक और दिखाती हूँ प्लांट इस पे देखिए ये अडेनियम का फ्लावर है ये सिंगल पेटल है लेकिन ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था ये फोर इंची पॉट में ही लगे हुए हैं। और उसके बाद चलते हैं ये देखिए मेरा छोटा सा पॉइंट जिसमें अभी ये सारे वाटर लिली खिले हैं और इसमें बहुत सारे बर्ड्स हैं तो और मैंने कुछ वाटर लिली जो बहुत ही कॉस्टली है वो अपने इसमें ऐड करी है तो ये जो कॉमन वाले हैं वो तो शायद मैं इसे सेल कर दूंगी और उसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली वैरायटी है वो मैं अपने गार्डन में ऐड करूंगी और उसी तरह से मैंने कुछ वैरायटी ऐड की है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए थाउजेंड रुपीज़ के ऊपर ये सारे जो है ना ये आ, मेरे पास जो है अभी वो ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है तो मैं ढूंढ रही हूँ वो मैंने कहाँ पर लगाया है क्योंकि अभी अभी लगाया है मैंने तो ये देखिए इसमें तो ये देखिए ये छोटा सा आपको जो दिख रहा है ना ये थाउजेंड के ऊपर होता है ये तो ये ज़्यादा ये देखिए ये ये मरमेड करके है वाइट कलर और इसमें पर्पल कलर ऐसे मैंने कुछ मंगवाए हैं ये थाउजेंड के ऊपर इनके प्राइस है बिल्कुल छोटा सा ही इतना लेकिन जब ये मल्टीप्लाई होते है ना बहुत जल्दी ये मल्टीप्लाई होते हैं तो इस वजह से मैंने कुछ कलर और भी ऐड किए हैं तो इस तरह से ये कुछ वाटर प्लांट अभी यहाँ पे और ये तो खूबसूरत कलर है और यहाँ पे अंजीर के प्लांट पे देखिए कितने सारे अंजीर लगे हैं बस बंदर की नज़र इन पे नहीं जाने चाहिए पिछले बार भी कुछ ऐसे ही फ्रूट लगे हुए थे और बस एक झटके में सारे जो बंदर थे ना उन्होंने सारे मेरे जो अमरूद थे जो अंजीर थे वो सारे तोड़ लिए थे तो देखती हूँ इसको अगर ढक कर रख सकूँगी तो ढक के रखूँगी नहीं तो जब भी इनकी नज़र पड़ेंगी वो तो तोड़ के ले ही जाएंगे और जो अभी एमरलिस पे हमें काम करना होगा अगले महीने तो ये सारे देखिए इसको पानी नहीं डाला है कुछ भी नहीं लेकिन ये पूरे ग्रीन ग्रीन हो चुके हैं तो इनके केयर पे भी अभी अभी फ्लावर चाहिए हमें तो इनके इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी और ये देखिए मैं ये मेरा बर्लेरिया जो पर्पल कलर का है और इसके और कलर मैंने आ, कुछ तीन कलर मैंने ऐड किए हैं अपने गार्डन में और इसकी पूरी प्रोनिंग करती थी और ये देखिए पिंक वाला जो बहुत ज़्यादा फ्लावर थे इस पर पहले और अब देखिए अब ये इसके फ्लावरिंग के बाद इस पर सीड्स तैयार हो रहे हैं तो मैं कुछ आपको दिखाती हूँ ये देखिए ये होता है इसका सीड्स और यहाँ पे मैंने बहुत सारे अभी जमा तो किए हैं और ये वाला सीड्स लगाने के बाद नहीं इसके अंदर जो होता है ना उसे फोड़ के मैं दिखाती हूँ तो यहाँ से इसमें देखिए ये छोटे छोटे सीड्स होते हैं तो कुछ एक सीर्स पौड में चार सीड्स होते हैं देखिए इस तरह से बिल्कुल हवा से भी ये उड़ जाते हैं और कागज़ की तरह ही ये मुझे बिल्कुल लाइट वेट ये सीड्स लग रहे हैं तो पहले मैं इनको लगा कर देखूँगी सीर्स तो लगते हैं क्योंकि यहाँ वहाँ गिरने के बाद इसके जो पौधे निकल आते हैं ना तो वो यहाँ हम हमारे यहाँ गार्डन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से ये मेरा गार्डन दिखता है तो फ्रेंड्स आज का ये संडे गार्डन ओवरव्यू आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय हैप्पी गार्डनिंग स्टे सेफ